आखिर रावण के भाई विभीषण क्यों आए महाभारत में पांडवों से मिलने? महाभारत के युद्ध में आखिर विभीषण ने किसका साथ दिया था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरत्व का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा है जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई बार कई सारे लोग कर चुके हैं। वहीं द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज से मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्षाग्रह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं था बल्कि एक भयानक जंगल था जहां पर भयंकर जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग भी रहते थे। वहां किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर तक्षक नाग को हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उस शहर का सौंदर्यकरण किया, जिसके बाद वह शहर एक दिव्य स्वर्ण शहर के रूप में सबके सामने आया। उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथियों और राजाओं के सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, जिसके निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसीय यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्य के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां पर उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के हुए यहाँ पर यज्ञ में आए थे, क्योंकि वह शंग वीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसीय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजसीय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उस राजसीय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने यह देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नगमस्तक हो रहे हैं। वह सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देखकर अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो हुआ किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। पूछे जाने पर विभीषण ने यह बताया कि वह भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वह किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाते, चाहे फिर वह कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वह युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया है। अंततः वह श्री राम के सिवा किसी और को भी अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उस भरे हुए दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का और उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनको आता हुआ देख सभी पांडव खड़े हो गए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया
और ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देख कर विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि ये प्रभु की ही लीला है और वह उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे की भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए विभीषण ने भी किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए श्री राम की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका में शासन किया। विभीषण ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्वश्रवा और कैक्सी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति का होने के बावजूद भी वह बलि और प्रहलाद की तरह हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वह एक बड़े राम भक्त थे। राक्षस नगरी लंका में रहने के बावजूद भी वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता से मिले गुणों के कारण ही वह पराई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अथवा उन्होंने माता सीता के हरण का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी। अंत में रावण का क्या परिणाम हुआ ये सब तो आप जानते ही हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम एक और ऐसे रामायण के योद्धा का जिक्र करेंगे जो स्वयं भगवान श्री राम के कुल से थे और उन्होंने युद्ध में स्वयं कौरवों का साथ दिया था। तो आखिर कौन थे श्री राम के वो खास पोते जिन्होंने दिया था कौरवों का साथ? अगली आने वाली वीडियोस में इसी बात का पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।